दशहरा भी बीत गया लेकिन अभी भी कई इलाकों में मॉनसून अपने पूरे रफ्तार में है। चाटे जाते मॉनसून देश के कई इलाकों में झमाझम बरस रहा है। दरअसल कई राज्यों से मॉनसून विदा ले लिया है लेकिन अभी भी कई राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के चलते बारिश हो रही है। इसी कड़ी में मौसम विभाग आज भी कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान लगाता दिखाई दिया है। सुपर चक्रवात नोरा की वजह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम में कई इलाकों में बदलाव हुआ है। आज भी देश के कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। आज पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई पड़ोसी राज्यों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। उधर दिल्ली NCR के कई इलाकों में भी आज बारिश की संभावना है। IMG के मुताबिक 9 अक्टूबर तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में आज हल्की से भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिणी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में आज से 2 से 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना के कई राज्यों में बारिश फिलहाल जारी रहेगी। उधर निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर ने भी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना लगाई है। उत्तराखंड के पूर्वी और मध्य भागों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। उधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी बारिश की संभावना लगाई जा रही है और इसी के साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और दिल्ली में हल्की बारिश की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।